जनाब सैफुल्ला अबड़ो। मेरे आज के स्पीच का मौजू लाजमी बजट ही होगा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के विजन के तहत है, जिसके खास दो पहलू हैं। एक ह्यूमन डेवलपमेंट है, नंबर टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उसके बाद मैं इस पर बहुत कम टाइम लूँगा, क्योंकि जो मैं इस पर डिस्कस करना चाहता हूँ तो हमारे ऐवान में काफ़ी दोस्तों ने पहले उस पर स्पीच की है, लेकिन ज़्यादातर मेरा जो टॉपिक होगा, टाइम होगा, वो सिंध गवर्नमेंट के बजट पे होगा, क्योंकि मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ अराकीन तशरीफ़ रखें और सेनेटर साहब की बात सुने। तला महमूद साहब, बाकी साहिबान तशरीफ़ रखें। जी जी, मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ, इसी वजह से मैं चाहूँगा कि इस ऐवान में जो हमारे दोस्त बैठे हैं उनके आगे सिंध के जो हालात हैं, सिंध का जो ताज़ा बजट है, वो भी आ जाए। ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से नो क्रॉस टॉक प्लीज। इस तरह फिर आप लोग बात करेंगे, फिर यहां से बात होगी। प्लीज सुन लें, आप अपनी बात किया करें वक्त पे, प्लीज हौसला करें और नेशनल बजट पे बात करें। जी जी, सेनेटर साहिबा तशरीफ रखें, इनको इनको हौसला कराएं। बता दिया उनको कि नेशनल बजट पे बात करें, वफाक की। जी साहब, चेयरमैन साहब, इनको हौसला कराएं, ये बड़े अहल जायज तशरीफ, ये लायक लोग हैं, इनको सुनने की आदत डालनी चाहिए वापस खुद में। तशरीफ रखे सेनेटर मरी साहिबा प्लीज। चेयरमैन साहब, मैं ठीक है, इधर की बात कर रहे हैं वो, बता दिया है उनको, बता दिया है, तशरीफ रखे, इधर की बात कर रहे हैं। जी सेनेटर कृष्णा तशरीफ रखें। चेयरमैन साहब, इनको बड़े तहमुल से सुनना चाहिए, क्योंकि ये तो बड़े दावेदार हैं जमहूरियत के, ये अहल लोग हैं, इनकी गवर्नमेंट जायज है, ये लायक लोग हैं, तो इनको सुनने में क्या है? क्योंकि सिंध में तो जो हुआ होगा तो इन लायक लोगों ने किया होगा ना। मैं आता हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट पे, ह्यूमन डेवलपमेंट में मैं आता हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट पे जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट में बात करें। जी मैं आता हूँ, कर रहे हैं, अपनी बात करें। जी मैं आता हूँ, एक मिनट तशरीफ रखे। जी ये इतना जो चिल्लाते हैं ना, ये सिंध से 17 सेनेटर्स हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, इनके किसी में हिम्मत नहीं, ये बात कर सकेंगे अगर, ये मुझे बात नहीं करने देंगे। जितने इनके अमाल हैं, एक एक जानता है सेनेटर साहब, किस बात से मुंह से बात, आप अपनी बात बजट पे करें। हमारी गवर्नमेंट, हमारी ट्रेजरी बेंच इनको सुनती है, ये कौन होते हैं हमारी बात पे इंटरप्ट करने वाले? आप अपनी बात बजट पे स्टार्ट करें प्लीज, आप लोग तशरीफ। मैं आता हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट पे, ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से बता दिया है। जी अभी कितनी दफा बताऊं, तशरीफ रखें, आप भी जज्बाती ना हो, आप भी ना हो और से मैं बजट पे आ जाएं। जी साहब, मैं जज्बाती नहीं होता इस ऐवान में, बजट पे आ जाएं, बजट पे बात करें। इस ऐवान में प्लीज नो क्रॉस टॉक। इस ऐवान में 8 दिन से बात होती रही है, पंजाब के दोस्त हैं वो अपने हिसाब से बात करते हैं, अपने सूबों की बात करते हैं, केपी के लोग, बलूचिस्तान के लोग अपने अपने इलाकों की बातें करते हैं, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं आता हूं ह्यूमन डेवलपमेंट पे, जो हमारे फेडरल बजट, इस बजट का हिस्सा है। मैं सिर्फ एहसास पे डिस्कस करना चाहता हूं, नहीं मैं उसमें बताता हूं आप साबित शाह साहब, क्योंकि मैं आपको वो भी दिलाता हूं जो आप कहते हैं, जो आपके बड़े कहते थे कि हम घसीटने जाएंगे, मैं वो सबब भी आपको बताऊंगा, वो नहीं कर सके इत्तेफाक से, मैं वो उसकी जस्टिफिकेशन देता हूं आपको कि आपके बड़े ने क्यों कहा था कि हम इनको घसीटेंगे, मैं वो बताता हूं आपको वो भी। तो हमारे एहसास प्रोग्राम में 260 बिलियन इस साल की बजट में रखे गए हैं, उस एहसास जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का खास जो है फोकस है जिस पे, वो एहसास जिसके लिए हमारी बहुत सारी पार्टियों के लीडर्स कहते हैं एहसास, उनको बड़ी तनकीद आती है, एहसास का नाम सुनने में उनको तकलीफ होती है। मैं गुजारिश करता हूं उनको एहसास का पता क्या, जिसके लिए 260 बिलियन हमारी गवर्नमेंट ने रखे हैं, उन लोगों को एहसास का क्या पता जिनके अकाउंट्स में ओवरनाइट बिलियंस आ जाते हैं? एहसास का उनको पता होता है जो भूख पे सोते हैं, एहसास का उनको एहसास होता है जिनको दिन के खाने के लिए कुछ घर में पैसे नहीं होते। तो हमारी गवर्नमेंट का पूरा फोकस है एहसास पे, उस पे 2008 से 13 तक
टोटल एक गवर्नमेंट ने 288 बिलियन जो है खर्च किए विश्व पे, उसके बाद 13 से 18 तक 435 बिलियन खर्च किए गए प्रीवियस गवर्नमेंट ने। हमने ये चौथा बजट दिया है जिसकी टोटल जो बजट बनता है वो 702 बिलियन है। समझ नहीं आती कि 288 बिलियन वाले अहल बन जाते हैं, 435 वाले अहल बन जाते हैं जो 702 बिलियन देते हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इतनी बजट रखता है फिर भी उस पर तनकीद होती है। वजह क्या है कि यहाँ का अवाम ऐसी चीज़ों से जब सुजाग होगा तो शायद काफ़ी लोगों को तकलीफ होगी। मैं आ जाता हूँ हेल्थ कार्ड पर। मुझे कल काफ़ी दोस्त, अभी भी ये सूबाई लिहाज से इनको सबको तकलीफ़ हो रही है, मुझे कल खुशी हो रही थी कि पंजाब इस साल दिसंबर तक पूरे सूबे में हेल्थ कार्ड दे रहे हैं। केपी के ऑलरेडी वो सारा प्रोविंस उनको हेल्थ कार्ड मिल चुका है। अफसोस कि हमारा सिंध गवर्नमेंट, मैं ये इस ऐवान पे आप सिंध बजट नहीं, अगर सिंध हुकूमत का नाम तो ले सकते हैं ना जी, आप तस्वीर सिंध हुकूमत का नाम ले रहे हैं। स्टार्ट करेंगे, मुझे तुम्हारी पता है तुम्हारी असलियत क्या। सेनेटर मरी साहिबा प्लीज, तुम गुंडा गर्दी करो जी जी, चेयरमैन साहब इनको मना करें जी। जब हेल्थ कार्ड की बात आ जाती है तो हेल्थ कार्ड सिंध में इस वक्त तक नहीं मिला हमें, सवा एक सूबे में। उमरकोट में 2.25 लाख फैमिलीज को हेल्थ कार्ड दिया गया। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि काइंडली फेडरल गवर्नमेंट को आप थोड़ी एडवाइस दें कि सिंध के अवाम क्या क्या कसूर, क्योंकि हेल्थ कार्ड की बड़े में बड़ी मुखालिफ है सिंध गवर्नमेंट। वो कहते हैं हमें हेल्थ कार्ड नहीं चाहिए, लेकिन हमारे अवाम को चाहिए। लेकिन हमारे अवाम को सेनेटर साहिबा वो कह रहे हैं फेडरल, आप पूरी उनकी बात तो सुना करें प्लीज, आप इंटरप्ट ना करें जी। ये हमारे अवाम का हक है ताकि ये फेडरल गवर्नमेंट कोई ना कोई इसका तरीके का निकाले ताकि वो हमें, हमारे पब्लिक को, हमारे अवाम को हेल्थ कार्ड मिल सकें। उसके बाद मैं आता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, क्योंकि मैं अगर लोन पे आ जाऊँगा, ट्रैक्टर्स पे आ जाऊँगा, फिर इनको तकलीफ होगी। क्योंकि सिंध में तो ऐसा हुआ है कि ट्रैक्टरों पे सब्सिडी मिल गई, ट्रैक्टर बन गए, लोगों को ट्रैक्टर नहीं मिले, लेकिन यहाँ हमारी गवर्नमेंट ने 2 लाख पैसे रखे हैं ट्रैक्टर। गणेश कुमार तशरीफ रखे हैं जी, 2 लाख दिए रख पैसे हैं, जो भी हमारा काश्तकार ट्रैक्टर लेना चाहे तो उसको 2 लाख पैसे मिलेंगे, वो जाके उससे एडवांस पेमेंट देके किस्तों पे ट्रैक्टर ले सके। ऐसे ही जो हमारे काश्तकार हैं जिनकी 12 एकड़ तक ज़मीनें हैं उनको फी फसल 1.5 लाख, टोटल जो है 3 लाख उनको पैसे रखे गए हैं। ये ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये ऐसी कोई मामूली बात नहीं है। माजी में कोई हुकूमतें नहीं कर सकें जो खान साहब करने जा रहा है कर रहा है, लेकिन अफसोस ये है कि हमारे इस ऐवान में हकीकी चीज़ों को भी, चाहे वो किसी अच्छी पार्टी की भी हो, तो वो नहीं मानी जाती। ये बड़ा ऐवान है, हमें इसमें दिल बड़ा करना चाहिए। अच्छी बात जिस भी पार्टी की हो उसको अडॉप्ट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कोई ख़राब चीज़ है तो उसमें एडवाइस देनी चाहिए, ऐसे नहीं कि उछलना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं आ जाता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। जब से सी पैक बना तो हमने देखा कि सी पैक में सख्त से आके सी पैक बंद हो गया। सखर हैदराबाद मोटरवे कभी तक अभी तक नहीं बना। हमारी गवर्नमेंट ने इस बजट में बहुत सारे फंड्स हैं उस पर रखे हैं। उसके बाद मैं न्यू गाज डैम आपको बताऊं, न्यू गाज डैम जो सिंध के ज़िला दादू में बनना चाहिए था, वो था 2009 में, स्टार्ट हुआ था 16 बिलियन से। शायद उस वक्त के दोस्त यहाँ इस ऐवान में भी बैठे होंगे जो हाकिम होंगे, वो उसकी कास्ट थी 16 बिलियन। काम स्टार्ट हुआ, एक बंदे को काम मिला, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला उस बंदे ने काम भी स्टार्ट किया, उस कंपनी ने 12 बिलियन पेमेंट मिली, लेकिन इस वक्त तक डैम का काम 10% भी वहां नहीं हुआ। शेम, शेम। इस वक्त भी 10% काम नहीं हुआ। वो 2012 में फिर जो है रिवाइज पे जाती है। मैं आपको बताऊं, ये रिपोर्ट शायद स्टैंडिंग कमेटी के भी यहां दोस्त, इन्होंने भी इसमें रिसर्च की होगी। वो अभी स्कीम जो है वो 45 बिलियन पे गई है, 45 बिलियन पे रिवाइज होके। वो क्यों नहीं बनी? वो उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उस वक्त का जो वापदा का चेयरमैन था उस कंपनी को काम दिया गया जो इस वक्त पूरी सिंध गवर्नमेंट की बजट को चलाता है। ये उसी कंपनी के पास काम था। ये आप फिर भी देखें कि 445 बिलियन, 16 बिलियन, 29 बिलियन ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नुकसान है, आम पब्लिक का नुकसान है। फेडरल पे करें जी, आप फेडरल पे तकरीर करें, क्यों मौका दे रहे हैं उनको? फेडरेशन की बात करें, अपनी बजट की बात करें। मैं आ जाता हूं, मैं आता हूं। तशरीफ रखें, मैं आता हूं। खान साहब ने तशरीफ रखें जी, बता दिया उनको। पाकिस्तान की तारीख में
पाकिस्तान तशरीफ रखे सेनेटर कुरतुलैन, आप तो समझें, चलें आप तो बैठ जाएं जी। पाकिस्तान में पहला हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, यहाँ काफी लोग हैं, काफी लोग हैं जो कहते हैं, क्लेम करते हैं कि हमें पब्लिक की तकलीफ है। खान साहब ने 2018 से पहले अनाउंस किया था कि ये नाजायज है कि जब भी किसी गैस फील्ड से गैस निकलती है पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से, पहले उस पे हक जो है लोकल लोगों का होना चाहिए, लोकल विलेजेस का होना चाहिए। इस मरतबा खान साहब ने अभी ये मई में वो स्टार्ट हुआ है सिंध से, कादरपुर फील्ड से, घोटकी में 29 जो गांव हैं वहां से स्टार्ट किया गया। खान साहब ने अनाउंस किया कि जो भी गैस फील्ड होगी उसके 5 किलोमीटर के सराउंडिंग में जितने भी विलेजेस होंगे उनको गैस दिया जाएगा। उसकी स्टार्ट जो है अभी कादरपुर फील्ड से हुई। खान साहब तो पब्लिक की बात करता है, कहां थी माजी की गवर्नमेंट, क्यों नहीं उन लोगों को दे रहे थे गैसेस। मैं आ जाता हूं, मैं थोड़ा सा जो ये चीजें होती हैं, सिंध गवर्नमेंट में बजट पेश किया गया है, ये हेल्थ आप, ये हेल्थ है चेयरमैन साहब, फेडरल की बात करें अपड़ो साहब प्लीज, क्यों खाम हाउस का माहौल खराब। मैं बताना चाहता हूं फेडरेशन की बात करें, ये लोग जो हमारी बजट पे बड़ा, आप फेडरेशन की बात करें प्लीज, मेरी गुजारिश है। बजट में 47 बुक्स हैं, मैं 47 में सिर्फ 4 बुक्स लाया हूं। आप फेडरेशन की बात करें प्लीज, मैं 4 बुक्स लाया हूं, 4, ये 47 बुक्स हैं। ये जो हेल्थ और फेडरल की बजट पे आ गए, एजुकेशन कम्युनिकेशन पे ये बात करते हैं, हेल्थ मैं सिर्फ, प्लीज आप फेडरल के बजट पे आ जाएं। मैं आपको एक चीज बताऊं, 8 लाख मैं एक चीज आपको बताऊं, मैं फेडरल पे आ जाएं जी, फेडरल बजट पे आए साईं, मैं आता हूं, मैं फेडरल बजट पे आता हूं, मैं लाड़काना से बिलोंग करता हूं, मैं पूरे सिंध को नहीं कहता, मैं लाड़काना को फोकस करता हूं, सिर्फ लाड़काना को। मैं इसे लाड़काना की बात करता हूं कि इन्होंने लाड़काना का क्या हासिल किया है, ये जो सिंध गवर्नमेंट, ये लायक अहल और जो शरीफ रखे प्लीज आदमी नहीं है। मैं लाड़काना पे डिस्कस करूंगा, मैं लाड़काना से, ये बजट के 4 बुक्स हैं, ऐसे 47 हैं। फेडरेशन की बात करें प्लीज, लाड़काना की एक स्कीम की, लाड़काना के 4 हेल्थ स्कीम हैं जो 500 मिलियन की हैं, वो 9 साल से इनके पास पैसे नहीं है, 500 मिलियन 9 साल से पैसे नहीं है इनके पास, ये बड़े बनते हैं। मैं आ जाता हूँ हेल्थ पे, फेडरेशन पे आए, फेडरल की बात करें, मैं आ जाता हूँ एजुकेशन पे, एजुकेशन में 2008 से 2 बिलियन की स्कीम है, इनके पास 14 साल में पैसे नहीं है कि वो इसकी में बदल, ये लाड़काना की है जो फेडरेशन की बात करें प्लीज, फेडरल की बजट पे आए, लाड़काना से अपने साहब फेडरल के बजट पे बात करें साईं, मैं लाड़काना से बिलोंग करता हूँ, जहाँ से कुत्ते को खसी करने के लिए 92 करोड़ पैसे रखते हैं, जो लोगों को कुत्ते काटते हैं उनके के लिए इनको पैसे नहीं है, ये क्या कहते हैं, इनके पास लाशों को उठाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है, लेकिन कुत्तों को शिफ्ट करने के लिए 24 करोड़ है इनके पास, ये लोग इन लोगों की जो, आप सीधी बात करो, तुम्हारी तो मैं तुम्हें गला खींच दूंगा। आप लोग तशरीफ रखे, पहले मेरी बात सुने जी, 1 मिनट आप लोग सारे तशरीफ रखे, एक बात सुने जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़े हैं जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़े हैं, तशरीफ रखें बस, अब हो गई जी अबड़ो साहब, ताकि उनका टाइम है जी अबड़ो साहब प्लीज। बात मैं तो ये कहता हूं कि मुझे समझ नहीं आती कि इस ऐवान में, तशरीफ रखे सेनेटर साहिबा प्लीज जी, इस ऐवान में 8 दिन से हर कोई अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है, सूबे की बात कर रहा है, अगर मैं अपने मसाइल पे आता हूं तो उसमें क्या किसी को एतराज है, ये तो बात समझने वाला दर है, ये चीज नहीं होनी चाहिए किसी भी लेवल पे। मैं आपको बताता हूं, अभी मैं आता हूं फेडरल पे, लीनार लाड़काना में हमारा डिपार्टमेंट है फेडरल गवर्नमेंट का, उस पर तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा ना, आपको अफसोस होगा इस ऐवान को सुन के कि वो बना था 1978 में, उसकी पोजीशन ये है कि इस वक्त उसमें न एमआरआई मशीन है न उसमें सीटी स्कैन मशीन है, वहां से कुत्तों को खसी करने के लिए 92 करोड़ पैसे पड़े हैं, तो मैं कहां जाऊं, मैं किससे कहूं, पहले गवर्नमेंट इतनी आई है मैं किसको कहूं साईं, मेरा लाड़काना तो गंदगी का ढेर बन चुका है, मैं किसके पास जाऊं, मुझे आप बताएं ना,
अगर मैं अपने आवाम की बात यहां नहीं करूंगा तो कल मुझे लाड़काना का आवाम सुनेगा। मैडम सानिया नश्तर हमारी बात नहीं सुनती। देखे जब इन्होंने एहसास प्रोग्राम बनाया उसमें 42 लाख लोग जो है वो रजिस्टर हुए 2008 से लेके 2018 तक, तो जिसमें 8.5 लाख लोग झूठे दायर किए गए जो मैडम ने निकाले, वो भी खान साहब ने इनको कहा था। अगर ये विश्व का क्रेडिट ये लेना चाहते हैं तो फिर 8.5 लाख झूठे लोगों का क्रेडिट भी इनके पास जाता है। ये भी इसी गवर्नमेंट का क्रेडिट है, किसी और का नहीं है। हमारे प्रोजेक्ट पर बात होती है, मैं आपको लाड़काना के दर्द बताऊं। लाड़काना के एड्स पे आ जाए, एड्स तो वफा की है ना, वफा की डिजीज है मेरे ख्याल में, वो भी ऐसे ही होगी कि एड्स पे आ जाए। आज एड्स पे मैं मरी साहिबा प्लीज लाड़काना सेनेटर साहब जो कहे आप उनको सुन ले, आप क्यों बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं जी, प्लीज कंटिन्यू करें। चेयरमैन साहब मैं कंटिन्यू करता हूं, मैं इनसे वहां भी लड़ता रहा हूं। मैं आपको गुजारिश करता हूं, मैंने अगर इनको बात करने दी ऐवान में ना तो मेरा आप नाम तब्दील कर दीजिएगा, अगर ये बात कान कर भी गए ऐसे ना करें प्लीज। की भूल है ये बड़े जी, आप अपनी बात करें, ये बदमाश वहां बने यहां नहीं बनना चाहिए इनको। अगर ये जी आप बात करें प्लीज। मैं आता हूं एड्स पे। लाड़काना जिसको जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा कि ये पेरिस है, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने, उस पेरिस की एक गली रतो डेरो में 2200 लोग एड्स में मुबतला हो गए, 2200 लोग एड्स में मुबतला हो गए। जब शहीद बेनजीर भुट्टो थी तब वहां एड्स नहीं था, जब शहीद बेनजीर भुट्टो थी तो एड्स नहीं था, जब मौजूदा क्यादत आई तो लाड़काना को एड्स लग गई, 2200 लोग हमारे एड्स में आ गए। उनका कोई भी मुझे काइंडली मैडम सानिया निश्चित बैठी है, मैं मैडम आपसे गुजारिश करता हूं उस 2200 लोगों के लिए मुझे स्पेशल कोई जो आपकी तो बड़ी जो है वो रिस्ट्रिक्शन है, मुझे उनके लिए हेल्थ कार्ड दें। ये खुदा के वास्ते रूल्स को जहां भी आपने साइड करना है, क्योंकि वहां लोकल गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं कर रही। 1 बिलियन पैसे रखे गए वो बजट में खा गए, पता ही नहीं चला, लोगों को नहीं मिले। आप दें, मैं आपको मिन्नत करता हूं, मैं आपके पास झोली डालता हूं, आप अपने रूल्स को थोड़ा साइड करें, वो गरीब लोग मरे कौन करेगा उनका। आप ऐसे न समझे कि सिंध जन्नत बन चुका है, सिंध इस वक्त जल रहा है। मेरा लाड़काना जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का लाड़काना है, वहां के लोगों का जो बजट है आपको अगर देखना है, मुझे शायद मैंने 2 दिन स्पीच नहीं की, मुझे शायद उम्मीद थी कि यहाँ 2 हमारे सीनियर पार्लियामेंटरियन बैठे होंगे, मियां रजा रबानी साहब और हमारे ताज हैदर साहब। ताज हैदर साहब गुजरे गए, 90 जब PP बनी है तो वो आए, शायद वो उस चीज़ को इंड्रोस करते जो मैं बात करने जा रहा हूँ। लाड़काना का पूरा बजट आपने देखा है, तो आप लाड़काना में एक फरीदाबाद में अनवर पैलेस बना हुआ है 4 बिलियन का, जिसमें हेलीकॉप्टर्स हैं, क्या रबानी साहब ताज हैदर साहब चल के उसकी करेंगे, फिर मौला बख्श चांडियो साहब है। जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ता हूँ 1986 नवाब शाह में, तो मौला बख्श चांडियो साहब स्टूडेंट लीडरशिप के बड़ी उत्साह लीडरशिप थी, यंग थे तब वो वहाँ आते थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, अभी तक शायद उसके पास घर भी रहने के लिए चांडियो साहब के पास नहीं होगा, लेकिन सिंध की गवर्नमेंट गरीबों के पैसे शर्जील मेमन के घर में गए, शर्जील मेमन का वहाँ रावल पैलेस बना हुआ है। मैं तो सीनियर लीडरशिप से कहता हूँ आप लाड़काना आ जाएं, वहां शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का घर है अलमुत्सा हाउस। मैं पीपी लीडरशिप से पूछना चाहता हूं, क्या वो सोहेल स्याल, शर्जील मेमन, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से ज्यादा वो मालवंत है, उससे ज्यादा दौलतमंद है? आप मुत्सा हाउस देखेंगे, फिर आप रावल पैलेस जाके देखें, अनवर पैलेस देखें, शर्म से गर्दनें झुक जाती हैं। ये गरीब आवाम का पैसा है जो लाड़काना मेरे पैरस में नहीं लगता, हमारे पैसे जो हैं वो इनके घरों में जा रहे हैं। खुदा के वास्ते जो लाड़काना लीना रहे, मैं लीना की तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूं। दिनेश भी बैठा है, दिनेश बड़ी धार धार के स्पीच करता है। लीनार वो हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल, जिसको बलूचिस्तान सिब्बी से लेके, क्योंकि बलूचिस्तान से आप रिलेटेड हैं, मैं भी तकरीबन बलूचिस्तान का ही हूँ, क्योंकि जो लाड़काना का चेहरा, दोनों सूबे जो हैं वहाँ से गरीब लोग आते हैं, वहाँ मुस्तफीद होते हैं इलाज से। वहाँ हमारे पास MRI मशीन नहीं है, CT स्कैन मशीन नहीं है। खुदा के वास्ते मुझे ये फेडरल गवर्नमेंट दिला के दें, ताकि बलूचिस्तान के लोग भी उसमें, हमें सिंध गवर्नमेंट से नहीं मिलना। फिर मैं आ जाता हूँ नवाब शाह में एक कैंसर हॉस्पिटल है नौरीन, वहाँ लेने मशीन नहीं है। ये अगर 2 हॉस्पिटल्स में हमें ये मशीनें चाहिए, टोटल इनकी कास्ट है नॉट मोर देन 800 मिलियन। मैडम सानिया निश्चित बैठी है, ये काइंडली हमें 1 बिलियन निकाल के दें दोनों हॉस्पिटल्स का। ये नाम हो जाएगा इस ऐवान का कि इस ऐवान ने किसी गरीब का काम किया। उसके बाद होगा क्या कि बलूचिस्तान और हमारे लोग कभी भी वो कराची और जो कहीं शिफ्ट नहीं होंगे। बाकी किसी को अगर तकलीफ पहुँचती है किसी भी चीज़ में, यहाँ एक दोस्त बैठे थे, देखिए इस ऐवान को काफ़ी लोग मिसगाइड करते हैं।
एक हमारा यहाँ कलीग कुली गए, वो बार बार कहता है 1100 बिलियन जो है वो सर्कुलर डेब्ट था पिछले में, आप 2500 पे क्यों पहुंचे। मैं उसे पूछना चाहता हूँ कि वो मैं बींग एज अ पावर कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सेनेट फॉर पावर, मैं उसका चेयरमैन हूँ, मैं इस ऐवान पे ये वादा करता हूँ कि ये जो 1100 बिलियन को आप जस्टिफाई करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अभी 2500 हो गए ना, 1100 को किस मुंह से आप कहते हैं कि 1100 को अच्छी बात है। उसके बाद देखा होगा कि जब 2013 में गवर्नमेंट आई तो इनिशियली जुलाई में 460 बिलियन सर्कुलर डेब्ट की पेमेंट की गई, तो फिर 5 साल में 1100 बिलियन तब क्यों बढ़े। अभी हमारी गवर्नमेंट को आप कह रहे हैं, तो मैं उस तरह तक जाऊंगा, वो रिपोर्ट इस ऐवान में लाऊंगा। मैंने आज स्टीयरिंग कमेटी में कहा है कि IPPs हमारे मुल्क के लिए एक नासूर है, ये सर्कुलर डेब्ट जो है ये नासूर है, मैं उसकी सारी रिपोर्ट यहाँ ऐवान में लाऊंगा, जो उसके सब असबाब हैं, जो उसके हेल्पिंग हैंड है, जिन्होंने वो प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कराए, जिसमें अपनी किकबैक्स ली, मैं सबको एक्सपोज करूंगा इस ऐवान पे। फिर सबसे पूछेंगे कि कौन अहल है, कौन जायज है, कौन लायक है, इन सबको फिर बताना पड़ेगा। मैं आता हूं कल, देखिए ऑब्जेक्शन होता है, अभी हमारे कुछ सेनेटर साहबान बैठे हैं, कल यहाँ ऑब्जेक्शन था कि फेडरल गवर्नमेंट के पास जो गाड़ी है वो एक कोई ड्राइवर नहीं है। बिल्कुल, हमारे पास हमारा कप्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हमारा लीडर है, वही हमें लीड करता है, हम सब उसको फॉलो करते हैं। लेकिन वो ऐसे नहीं कहता कि बेटा आ जाओ, ये गाड़ी ले जाओ, गाड़ी में तेल कितना डलवाना है, गाड़ी कहाँ ले जाएंगे, पहले गाड़ी खाली गई तो वापसी पे तलाशी नहीं लेता हमारा कप्तान के कितनी गाड़ी भर के आए हो, कितने पैसे गाड़ी में ले आए हो। इसी वजह से हमारी ये चीज़ें नहीं है, हमारे पास गाड़ियों का हिसाब नहीं है। ये लोग जो कहते हैं कि गाड़ियाँ एक हमारी सिफ्ट नहीं है, तो उनको ये समझना चाहिए कि यहाँ तो हर एक गाड़ी साईं लाड़काना के साथ, ये लाड़काना के साथ ना, कि मैंने तो उनको बताया कि जी फेडरेशन पे आ जाएंगे, फेडरल बजट पे आ जाएंगे जी। बात फेडरेशन की कर रहे हैं, लाड़काना की मैं बात कर रहा हूँ। लाड़काना क्यों उनको दुखता है साईं? लाड़काना तो वो है बजट डिस्कस ना, लाड़काना तो वो है शहरी, उनका टाइम अभी खत्म हो रहा है, प्लीज। अच्छा, जी कल बातें हो जी, आप फेडरेशन की बात करें, फेडरल बजट की बात करें, उसी पे आते हैं टच नहीं करते, दुखती रख पे हाथ नहीं डालते, अभी छोड़ देते हैं, दुखती रख पे अभी हाथ नहीं डालते, छोड़ देते हैं थोड़ा टाइम। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो फेटिव ने हमारे मुल्क को ग्रे लिस्ट में डाला, कल कोई बात बड़े फख्र कर रहे थे कि ये प्रोजेक्ट हमारा है, इस पे खान साहब ने तख्ती लगाई, ये प्रोजेक्ट हमारा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं उन दोस्तों से कि फेटिफ ने जो ग्रे लिस्ट लाया, ग्रे लिस्ट में हमारा नाम डाला, तो वो भी आपका प्रोजेक्ट है ना, वो तो पीएम खान साहब का नहीं है, या वो भी पीएम खान साहब का है। आप अपनी चीज़ें अपने तक रखें, जो हमारी चीज़ें हमें करने दें। मैं आपको बता दूं कि लाड़काना मेरा पेरस, लाड़काना गंदगी का ढेर बन चुका है, मेरी आप मदद करें फेडरल गवर्नमेंट से, ये न समझें कि सिंध जन्नत बन चुका है। मैं इस ऐवान की पूरी कमेटी लीडिंग उसकी करे, रजा रब्बानी साहब, ताज हैदर साहब, मौला बख्श चांडो साहब, हमारी गवर्नमेंट से कोई भी ना, मैं उनको लाड़काना का विजिट कराता हूँ, वो जाके वहां पता करेंगे अलमुत्सा हाउस का क्या आचर है, अनवर पैलेस का क्या आचर है, सिंध की बजट कहाँ गई। मैं उसको बताना चाहता हूँ कि लाड़काना में 500 मिलियन के 5 स्कीमें 10 साल में नहीं बनती, जबकि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएं तो वहां तो 2-2 बिलियन की, 9-9 बिलियन की प्रोजेक्ट एक साल में बन जाते हैं। इस वक्त जो बजट पेश किया गया हमारे फेडरल गवर्नमेंट पे, ये अटैक होता है, ये तनकीद होती है कि भाई सुबह को कम दी गई स्कीम। मैं तो कहता हूं मेरे लाड़काना को कम क्यों मिला? आप लाड़काना में देखेंगे, सिर्फ मैं एक चीज आपको बताता हूं, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट, उसकी इंप्रूवमेंट सेक्टर पे लाड़काना की 9 स्कीम, उसके उस पे पैसे 900 बिलियन, नवाब शाह की 21 स्कीम, उस पे 9.5 बिलियन, उससे तो नवाब शाह, उससे ज्यादा तो सांगड़ का फायदा है, सांगड़ के 3 बिलियन। मुझे पता है कि सीएम मुराद शाह सांगड़ पे क्यों मेहरबान है, वो सांगड़ को बात करें, फेडरेशन की करें प्लीज, लाड़काना पे आता हूँ, मेरी गुजारिश है आप फेडरेशन पे रहे, मैं आता हूँ, तशरीफ रखें, मैं आता हूँ, मैं फेडरल पे आता हूँ, मैं कहता हूँ मेरा लाड़काना तबाह, फेडरेशन की बात करें, जो मदद फेडरेशन से वो बात करें, मेरा छोड़े लाड़काना की बजट को, मेरा लाड़काना सिंध की बजट की बात ना करें, 128 बच्चों को सिंध की बजट की बात ना करें प्लीज, लाड़काना तबाह हो गया, मैं लाड़काना को कहां ले जाऊं, मैं तशरीफ रखे ये सूबे, ये सेनेट है क्या, हाउस ऑफ फेडरेशन है ना, तो एक सूबू के मैं अपने घर की बात करूं, कहां की करूं, मुझे कोई बताए तो सही,
मेरा लड़का ना तबाह हो गया, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। मेरे लड़का ना गंदगी का ढेर बन चुका है। आप चले वहाँ दस दस फीट पानी खड़ा है शहर में। मुझे आप पैसे दे, मुझे तशरीफ रखे। आप अपनी बात किसी और दिन अपने डिस्ट्रिक्ट की बात पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पे करें, अभी बजट पे बात करें प्लीज। मेरी गुजारिश है आपसे, मैं उसी पे आता हूँ वहाँ के लोग। मेरी गुजारिश है प्लीज, मैं तो कहता हूँ वाइंड अप करें, वाइंड अप करें, वाइंड अप तशरीफ रखें। बता दिया है जी, तशरीफ रखें। बाकी सेन में काम कोई बताए तो सही। बता दिया है जी, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें जी। अब आप वाइंड अप, आप इंटरप्ट करेंगे उसका टाइम चलता रहेगा जी। प्लीज इंटरप्शन ना, तशरीफ रखें, इंटरप्शन ना करें। आप लोग भी, चौधरी जहाज साहब तशरीफ रखें, जनाब शौकीन साहब तशरीफ रखें जी। सही, मैं सही, इस इंटरप्शन करेंगे तो ये 40 मिनट हो जाएगी, इसलिए चुप रहे, तकरीर करने दें जी उनको। देखें मैं उस बात पे आता हूँ जी, नो इंटरप्शन प्लीज जी। जब हमारे पार्टी लीडर्स वो कहते हैं कि ये गद्दों की काउंटिंग हो गई, अगर मैं उस पर जवाब दूंगा फिर भी तकलीफ होगी। उसका क्रेडिट कहते हैं कि पीटीआई को। मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये खान साहब को ही क्रेडिट जाता है कि आज तक पाकिस्तान का आवाम गद्दों को घोड़ा समझ बैठा था। आज हकीकी काउंटिंग खान साहब ने कराई है कि गद्दा कौन है, घोड़ा कौन सा है। ये 50 साल के गद्दे हैं जो जमा थे, जो घोड़ों के छेद में यहाँ घूम रहे थे, वो आइडेंटिफाई किए हैं हमारे पीएम साहब ने। किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कोई भी अगर कहता है लीडर ऑफ द अपोजिशन कुछ कहना चाहता है कि नाल है, लीडर ऑफ द अपोजिशन कुछ कहना चाहते हैं जी, उस पे आते हैं। एक्चुअली ये पहला मौका है जी जब मेरी स्पीच में इतनी किसी को तकलीफ हो रही है। पूरे जो है ये प्राइम सब कोई बात कर, वाइंड अप करें जी प्लीज। तुम जो उस दिन बैठे थे, तुम कह रहे थे कि बलूचिस्तान के साथ जुल्म हो गया, वाइंड अप करें। लड़का की बात करूं, किसकी करूं? वाइंड अप करें जी। वाइंड अप करता हूं जनाब, मेरे साथ जुल्म हो गया, मेरा लाड़काना तबाह हो गया, मैं कहां जाऊं? मैं लाड़काना की फरियाद किसके पास लेके जाऊं? ये जो कहते हैं हमने सिंध को जन्नत बनाया है, मेरा लाड़काना तबाह है। ये शहीद भुट्टो के लाड़काना को नहीं बना सके तो पूरा सिंध इन्होंने क्या बनाया होगा? इन्होंने तबाही मचा दी है। अभी वो जिन कुत्तों को शिफ्ट, मेरी गुजारिश है आप अगर मेहरबानी करें फेडरल बजट की बात करें प्लीज। ये बजट का हिस्सा है साहब, बजट पे आ जाएं, उस पे तकरीर करें और वाइंड अप करें, टाइम बहुत हो गया। मैं उसी पे आता हूँ चेयरमैन साहब, पहला मौका मिला है लाड़काना को। मैं इंटीरियर सिंध से वाहिद सेनेटर हूँ जो यहाँ नुमाइंदगी करता हूँ। यहाँ सब सूबों में हमारी गवर्नमेंट है। मैं तबाह हो गया, मेरे सिंध के गरीब लोग तबाह हो गए, वहाँ कुछ नहीं है। ये जो कल बात हो रही थी कि मीडिया के एंकर्स को बुलाएं, मैं आपको बताऊं ये बातें क्यों नहीं आपके पास हाईलाइट होती। ये मीडिया है, लाड़काना के एंकर्स को बुलाएं। ये लाड़काना के प्रेस क्लब का फोटो है जिसमें मैडम फराल टालपुर का फोटो लगा हुआ है। मेरी गुजारिश है फेडरल बजट पे अब बात करें। मेरा तबाह हो गया जी, फेडरल बजट पे आ जाए। साई कल जो मैं तो मैं क्या कहूं, 92 करोड़ जिन कुत्तों को खसी करने के लिए लगे, वो कल कुत्ते एहतजाज कर रहे थे कि हमारे 92 करोड़ कौन कुत्ते खा गए। मैं तो उनके खिलाफ जो है मैं एहतजाज कर रहा हूँ। मैं तो उनका पता करना चाहता हूँ कि कुत्तों के साथ लाशों को उठाने के लिए प्लीज फेडरल बजट पे बात करें। साईं यही है, लाशों को उठाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है, कुत्तों को शिफ्ट करने के लिए 24 करोड़ की पेमेंट की गई। सिंध गवर्नमेंट ये चाहती है कि कहां कहां पैसे ये खालिक हैं, ये अहल भी हैं, ये लायक भी हैं, ये जायज भी हैं, ऐसी ऐसी चीजें बनाते हैं कि कैसे गरीब आवाम पैसे हड़प। मेरी गुजारिश है फेडरल बजट पे बात करें, सिंध गवर्नमेंट पे बात अभी ना करें, आप फेडरल की बजट की बात करें प्लीज। कोई भी नहीं है क्या प्लीज, मैं तो बैठा हूं, आप उस पे चलें जी प्लीज, थैंक यू। मेरा जो काम था वो हो गया। मैं इस ऐवान को बताना चाहता था जो हमारे फेडरल बजट पे। थैंक यू जी, थैंक यू। फिदा साहब अपोजिशन को जाए मनाएं, चौधरी इजाज साहब आप भी चले जाएं जी प्लीज। आप मेरी बात सुने फिर उसमें जिक्र आ जाएगा, इंसान है ना, जुबान है, चल जाती है कभी कभी, तो फिर उनको तकलीफ होगी। आप बैठे इजाज साहब, आप बैठे नो इजाज साहब बैठे प्लीज जी, इस तरह ना करें, आप उनको जाने जाप चले जी। इजाज साहब आज फिदा मंद बैठो, चले जी प्लीज जल्दी है। इस वक्त मैं ये बात करना चाहता हूँ, अब वाइंड अप करें, टाइम बहुत हो गया जी प्लीज। नहीं सही, टाइम तो बहुत नहीं हुआ, 41 मिनट 35 सेकंड कल एक लीडर ने स्पीच की है, मैं 51 मिनट प्लीज ना करें, लाजमी करूंगा। आप कहेंगे तो बैठ जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, जिद नहीं है, आपसे जिद थोड़ी, आप बड़े हैं। बात यह है कि हमारे साथ यकीन करें। हाँ
ये किया जो आप बलूचिस्तान चुप खड़े हैं। सेनेटर सना प्लीज छोड़े, वो अपनी स्पीच वाइंड अप करें, अब पहले काफी इंटरप्शन हो गई है, प्लीज। यकीन करें हमारे साथ ये हशर है, मैं मजाक नहीं बता रहा, वीडियो आपके पास अनाउंस नहीं होगी, ये अलो नहीं है। मैं आपको वीडियो दिखाऊँ, कल उमर कोर्ट में, कल जो है यहाँ कोर्ट डीजी में, तो आप कोर्ट डीजी में जाएंगे तो कोर्ट डीजी में यकीन करें लोगों को, वो चिंची जो है उस पर जा रही हैं डेड बॉडीज। ये मैं तनकीद नहीं करा, वो एक जो कोर्ट में हलफ लिया जाता है ना, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच कह, मैं खुदा की कसम आप कुरान शरीफ रखें, मैं उस पर हाथ रखे कहता हूँ, मैंने अगर कोई गलत चीज़ कही है, मैंने इनका असल चेहरा दिखाया है ऐवान को, आज मेरा काम हो गया, मैंने इनको असल चेहरा दिखाया जो जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं, जिसका लीडर कहता है नाल नाजायज, तुम अहल हो, तुम खान साहब से ज्यादा अहल हो, प्राइम मिनिस्टर साहब तुम्हारे जैसे मुलाजिम भी नहीं रखता, तुम्हारे तो मुलाजिम जाके अरबपति बन जाते हैं, किसी और आते हैं, प्लीज किसी और हाउस के मेंबर के लिए बात करें, ये एक्सपेंच कर दें जी। बात नहीं, बात हमारे चेयरमैन साहब जो हमारे पार्टी के बड़े हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, जो यहाँ गरीब आवाम के लिए उम्मीद है, उनके लिए अगर कोई बात करेगा तो उसको हम आईना लाजमी दिखाएंगे कि तुम कितने अहल हो, कितने जायज हो, कितने लायक हो। बात करते हो तो पहले अपना गरीबान देखो, खान साहब के अकाउंट में कभी 30-30 बिलियन ऐसे ओवरनाइट नहीं गए, ऐसे नहीं आता। मैं आपको लाड़काना कई चीज़ें बताऊं, यकीन करें, मैं और चीज़ों हट के, ये सानिया निश्तर साहब बैठी हैं, खुदा के वास्ते दो लोग हैं हमारे पास, मैं फेडरल पे तो बात कर सकता हूं ना, ये सानिया निश्तर साहब का कमाल है कि जब बिस पे वहां लोग पैसे लेते हैं तो हम इनको कहते हैं आप एक्शन लें, तो वो तो लोग पैसे लेते हैं वहां, ये एक्शन भी नहीं ले सकती। मैं कहां जाऊं शेख रशीद साहब को क्या कहूं, जब डाकू उठ के APC से गोलियां क्रॉस करती हैं, वो APC जो बुलेट प्रूफ होती हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये तो बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, इसमें गोली क्यों गई? लेकिन उस पे जो वहां के डेकेट्स हैं वो APC पे चढ़ के डांस करते हैं, तीन शहीद करते हैं। एक मिनट साईं, तो शेख रशीद साहब को मैं क्या कहूँ, उसको सलाम पेश करूँ? वो आके आए, दो दिन खा पी के चले गए, पता नहीं कि सिंध गवर्नमेंट में उसको कौन सी उम्मीद की किरण लगे कि उसने कोई एक्शन नहीं लिया, वो ऑपरेशन डाकू वाला ऑपरेशन खत्म हो गया। जिसी मीडिया को पता है सिंध जल रहा है। थैंक यू जनाब, मैं आपको गुजारिश करता हूँ, सिंध जल रहा है हमारे, बहुत मेहरबानी। लाड़काना में मैं एक आप चले जाएं, सानिया पूरी बात इंशाल्लाह ऑफिस में सुन लेगी। लाड़काना में सानिया प्लीज सुन लेना, साइंसेस लेवल की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। मैं गुजारिश करता हूँ सेवान से, हमें कोई कॉन्सर्ट टाइप या कोई और इदारा उसके लिए 2 अरब दे दें, क्योंकि आपने वैसे भी जो अभी इस बजट में सिंध के 9 इदारे हैं बड़े, जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, जो शिकारपुर में, सखर में, रानीपुर में, हैदराबाद में, नवाबशाह में, उमरकोट में, ये इदारे दिए हैं, तो लाड़काना को भी दे दें। लाड़काना को ऐसे दे समझेंगे लाड़काना पैरस है, लाड़काना गंदगी का ढेर है, खुदा के वास्ते आप मदद करें। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत आप सबकी मेहरबानी। थैंक यू जी, तो मैं एक्चुअली आज रिकॉर्ड कायम करना चाह रहा था स्पीच का, लेकिन आप कह रहे हैं बड़े हैं, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी।